रास्ता तो बंद लग रहा है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, देखते हैं। चल भाई, बंद यार, चल 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 चल, निकल गए फिर बैरिकेड्स। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। हेलो एवरीबॉडी, मम्मी की वजह से लेट हो गया, निकलना था 8:30 बट 9:30 हो गए। उफ, आज बहुत दिनों बाद ऑफिस जाने का मौका मिल रहा है। बाइक निकालता हूँ, बस स्टार्ट हो जाए। हाँ चलिए, यहाँ क्या रोड भी ख़राब है। ये क्या लोग रोड बना तो रहे हैं, चलो कुछ काम तो हो रहा है, बस ये रोड सही बन जाए फिर थोड़ा सही रहेगा। निकालूंगा लेकिन कहाँ से, निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी निकल जाएगी, निकल गई। अरे यार, मैंने वो सामान लिया था कि नहीं लिया था, एक मिनट। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था कि यहाँ का रोड बहुत ही ख़राब है, पूरा खटखट खटखट हो रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसा लग तो रहा है कि रोड ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अरे यार, ये अब निकलेंगे कहाँ से, रास्ता बंद कर रखा है। यहाँ से निकाल लेता हूँ, निकल तो जानी चाहिए, निकल जाएगी। हाँ निकल गई। चलिए, चक्कर क्या है कि सारे रास्ते बंद हैं, बस एक ही रही रास्ता बचा था, वो भी बंद कर रखा था। यार खड्डा, सारी दुकानें लाइन से बंद है यार, पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा कब, पूरा पूरा सब क्लोजिंग हो रखी है। कोई ब्रेकर्स भी ना, हर 10 कदम पे ब्रेकर है यार। बस वीडियो सही बन रही हो, देखते हैं, ज़्यादा तो तभी चलेगा जब मैं देखूंगा बाद में कि वीडियो कैसी बनी। अभी तो बस मैं गेस कर पा रहा हूँ कि वीडियो ऐसी बन रही होगी। फिर ब्रेकर है, हद है यार, हद है, मतलब फिर ब्रेकर, मतलब एक तरह से ब्रेकरों की दुकान है यहाँ पे। तो रोड भी ख़राब है भाई साहब, ऊपर से ब्रेकर पे ब्रेकर, ब्रेकर पे ब्रेकर, ब्रेकर पे ब्रेकर, खट पता नहीं वीडियो बन रही होगी क्या, क्या बन रहा होगा। चलो कम से कम कुछ तो आने वाला है भाई। ये क्या है, अभी वन वे बना रखा है, एक ही तरफ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। तो बाइक में कम थी, ये दिख तो रही है दुकान। चलो देखते हैं, चलो हवा भरवा लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं ना। होता क्या है, टायर्स घिस जाते हैं, इसलिए हवा भरना ज़रूरी होता है। आगे 35 करना है, पीछे 50। ये लो भैया, चलो ठीक है, चलो यार, हवा तो भर गई बाइक में। एंड ये मैं आ गया रेड लाइट पे, रेड लाइट होना भी ज़रूरी है, तभी तो जाम लगता नहीं है। वैसे अभी तो गाड़ियाँ क्यों भी चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से। यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे आगे जो यहाँ पे BRT बसेज़ हैं, अगर आपको दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल करना है तो ये बसेज़ में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसी के लिए स्पेशली ये बस लगाई है गवर्नमेंट ने। एंड ये जो एरिया है, ये आ गया हमारा दिल्ली गेट वाला एरिया आ चुका है। सारी बसें हैं लाइन से, मतलब गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है जितना हो सके, मतलब वो एफर्ट कर सकते हैं, बट क्या करें यार, लोग भी तो बहुत सारे हैं ना। अब आगे से अगर मैं राइट जाऊंगा तो दिल्ली गेट आता है, दरियागंज वाला एरिया जो है दिल्ली 6। एंड अगर मैं अभी, मुझे यहाँ से जाना है लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आएगा ITO, ITO से होते हुए जाता हूँ मैं दिल्ली। इस टाइम के हिसाब से वैसे गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं, जो मतलब जिनका बहुत ज़रूरी है वही लोग निकल रहे हैं घर से। अभी हमारा भी ऑफिस बंद था, लेकिन अभी कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है। ये मेरे साइड में दिल्ली गेट मेट्रो आ गया, अच्छा गाड़ी का पोल्यूशन भी ख़त्म है, चेक कर लेते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे पीछे तो मैंने चेक किया था, वहाँ तो बंद था, बट यहाँ शायद खुला हुआ है। हाँ खुला हुआ है,
अच्छा देखते हैं, पोल्यूशन करवा लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है, पुलिस का पकड़ पकड़ लेगी, फालतू में चलान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। बैठे तो हैं भैया दोस्तों, यहाँ ही पोल्यूशन नहीं हो पाया। दुकान ओपन थी लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है अभी। चलो आगे ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, बस पुलिस पुलिस ना पकड़ रही। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं गया था बट वहाँ पे वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना ही नहीं रहते। ये रास्ता जाएगा सीधा ITO को। ये आ गया ITO का रेड लाइट। वैसे सबसे लंबी रेड लाइट जो होती है यही वाली होती है हमेशा। देखते हैं इस टाइम थोड़ा जल्दी खुल जाए, अच्छा रहेगा। एक्चुअली बिजी होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही मेन एरिया पे जो ITO है हमारा। देखते हैं कितनी देर में खुलता है। उसमें पहुँचा हूँ और ग्रीन लाइट जो रेड लाइट हो गई, बट मैंने सोचा कि यार अभी रेड लाइट तोड़ना अच्छी बात तो होती नहीं है, बट क्या करें, लेट भी हो रहा है। 10:30 मुझे पहुँचना था और अभी ऑलरेडी 10:15 हो चुके हैं। ऊपर से गाड़ी देखो घुमा के उधर से आए हैं। चलो 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 भाई, चलो चल भाई, चल 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 चल, फाइनली जल्दी हो गई। वैसे इतनी जल्दी ऐसा रेड लाइट होती नहीं है ग्रीन, ये लेकिन अभी बहुत जल्दी हो गई। यहाँ से करीब मुझे लगेगा आधा घंटा और पहुँचने में। ये ऊपर रेलवे की पटरियाँ जा रही हैं, ट्रेन जाती है इसके ऊपर से। यहाँ से अगर मैं राइट जाऊँगा तो आएगा कनॉट प्लेस, बट मुझे यहाँ से जाना है लेफ्ट। लेफ्ट में देखिए हनुमान जी दिख रहे होंगे आपको। आगे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। हाँ, यहाँ से होते हुए जो है मुझे निकलना है ग्रेटर कैलाश ट्यूब के लिए। चलो दोस्तों, ऑफिस का काम तो ख़त्म हो गया, अब चलते हैं वापस घर। बेसिकली काम के लिए भी आज आए हुए थे, आज कोई टाइमिंग नहीं थी फिक्स, बस काम ख़त्म हो गया, सब अपने घर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। फिर ब्रेकर यानी यार, ये ब्रेकर क्यों बनाते हैं लोग? एक्चुअली बनाते इसीलिए हैं कि गाड़ियाँ स्पीड में ना गुजरें, यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया है, फिर भी दिक्कत होती है यार। अब ये बीच में क्यों रोक दिया? चलो निकल 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 गया। फिर ब्रेकर, यहाँ से जाना है मुझे राइट। ये अपना जो एरिया है GK2 का एरिया है, ग्रेटर कैलाश 2 का। फिर ब्रेकर, यहाँ से मैं जाऊँगा सावित्री होते हुए चिराग दिल्ली होते हुए मूलचंद की तरफ। पहले निकलना है मुझको यहाँ से, जहाँ ब्रेकर नहीं है वहाँ पर रोड ही ख़राब है। वैसे भी मैं काफ़ी जगह से आया हूँ तो काफ़ी रास्ते बंद भी थे, बस अब आगे का रास्ता बंद ना होगा यार, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो काफ़ी लंबा घूमना पड़ेगा मेरे को। देखते हैं क्या होता है। रास्ता तो बंद लग रहा है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन बाइक्स तो निकल रही है। हाँ हाँ निकल रही है, निकल रही है। चलो हम भी निकाल लेते हैं। निकल तो जाएगी, निकल जाएगी, निकल गई फाइनली। तो काफ़ी एरियाज को मतलब बंद कर रखा है, बिकॉज होता क्या ना कि गाड़ी वाले काफ़ी लोग अंदर चले जाते हैं, एंड अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होती है, कोई फॉलो करना है, इसमें काफ़ी रास्ते बंद कर रखे हैं। बेसिकली जो मार्केट वाले एरियाज हैं उनको तो पूरा बंद कर रखा है। यहाँ से मुझे मुड़ना है लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ के आगे आ जाएगा अपना सावित्री वाला रोड। एंड मैं दूर से देख पा रहा हूँ आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि मेरे दाएं बाएं हर जगह बैरिकेड इस बैरिकेड से। सब्जी भैया, अरे भैया हाँ बैरिकेड तो हैं, देखते हैं बस यहाँ से भी जैसे वहाँ निकाला था वैसे निकल जाएगा। बाइक वाला तो निकाल रहा है, निकल जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए, ये निकाल लेंगे फिर तो मैं भी निकाल लूँगा, देखते हैं। चल भाई बंद यार, चल 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 चल, निकल गए। इंडिकेटर देता हूँ, मुझे जाना है पुल के ऊपर, यहाँ से पुल के ऊपर जाके निकल गए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये अपना सावित्री वाला फ्लाई ओवर है, ऐड भी चेंज हो गया, ऊपर एक ऐड था वो चेंज हो गया। ये देखिए आप मेरे लेफ्ट साइड में
मेरे राइट साइड में देखिए ग्रेटर कैलाश का मेट्रो है, काफ़ी बड़ा है, मुथूट ग्रुप ने पूरा उसको फाइनेंस किया हुआ है। ये हमारा मस्जिद मोड़ का स्टैंड आ गया एंड यहाँ मुझे फ्लाईओवर के नीचे से जाना है बिकॉज इसके नीचे से मुझको राइट टर्न लेना है, तो मैं ऊपर ना जाके नीचे से निकलूँगा। एंड ये सामने मेरे आ गया चिराग दिल्ली का मेट्रो। एक्चुअली दोस्तों पहले हम लोग यहीं पे रहते थे चिराग दिल्ली में ही, 1995 से करीब 2017 दिसंबर तक हम लोग यहीं पे रहते थे, तो घर का डिस्टेंस भी काफ़ी कम था। 2017 के दिसंबर में हम लोग शिफ्ट हुए गाज़ियाबाद, उस समय मेट्रो वेट्रो यहाँ पे नहीं थी, उस समय यहाँ पे मेट्रो वेट्रो थी नहीं और यहाँ बीच में जो है BRT बसेस चलती थी, लेकिन आप तो जानते हैं BRT बसेस की वजह से पूरे का पूरा जाम कितना लगता था। काफ़ी चेंज हो गया मतलब ये एरिया, मैं तो आता ही रहता हूँ तो मुझे तो फ़र्क लग नहीं रहा, लेकिन काफ़ी चेंज है अब तो, मतलब काफ़ी एडवांस हो गया चिराग दिल्ली भी। अब मैं निकल रहा हूँ कृषि विहार होते हुए सादिक नगर अर्चना मूलचंद आएगा, वहाँ पे निकलना है पहले, अब देखना है कोई रास्ते में पोल्यूशन भी मिल जाए, पोल्यूशन करवाना है बाइक का, देखते हैं कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यहाँ भी रोड क्रॉस करने के लिए का अच्छा बना दिया, इतना कृषि विहार भी पार हो गया। ये मेरे लेफ्ट में पेट्रोल पंप तो आ गया इंडियन ऑयल का, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन का नहीं है। फिर बैरिकेड्स, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, अभी लगता है कि ये लोग कहीं पुलिस वाले रोके नहीं, चेक वेक ना करें, लेकिन चेक नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बैरिकेड्स जानबूझ के लगाए हुए हैं कि लोग थोड़ा मतलब ध्यान दें, इसीलिए। अब दिल्ली पुलिस भी तो भाई काम तो बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है, इतनी कड़क धूप हो रही है फिर भी उन लोगों ने अपना काम एकदम अच्छी तरह से कर रहे हैं, तभी ये दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। अभी हमारा आ गया आगे श्री फोर्ट रोड अर्चना आ गया, अब मैं लाजपत नगर क्रॉस कर रहा हूँ, पीछे मैंने पोल्यूशन के लिए दोबारा किया, सब कुछ हो गया लेकिन तो सर्वर डाउन था तो पोल्यूशन हो ही नहीं पाया, शायद भगवान चाहते ही नहीं कि पोल्यूशन आज हो। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कल करा लेंगे, मतलब जब नेक्स्ट टाइम तक करा लेंगे, वैसे तो परसों ही आना है मेरे को, कोई बात नहीं। ये जो फ्लाई ओवर इसके नीचे से अगर जाते हैं तो लाजपत नगर के लिए मतलब निकल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा लाजपत नगर पूरा बंद है, पूरा उसकी एंट्री बंद कर रखी है, क्योंकि लाजपत नगर जो है फेमस है अपने मार्केट के लिए एंड मार्केट पूरी तरह से बंद कर रखा है कि लोग आए नहीं, ये ना बोलें कि भाई उनको ना लगे मार्केट खुला होगा बंद होगा, तो पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए, पूरा बंद कर दिया कि ऑप्शन ही नहीं, आप सीधा अपने घर को जाओ। तो इतनी कड़क धूप है लेकिन फिर भी इतना फील हो नहीं रहा, एक्चुअली रीज़न में भी ये हो कि तो भीड़ बहुत कम है, ऊपर से काफ़ी दिनों के बाद भी आया हूँ। चलो पुल तो ख़त्म हुआ, 9807 क्रॉस, आगे एक और पेट्रोल पम्प आता है, वैसे यहाँ पे तो बहुत कम चांस ही है कि होगा, फिर भी डूबते हुए तिरपे का सहारा काफ़ी होता है तो देख लेते हैं। HP का पेट्रोल पंप तो है लेकिन पोल्यूशन चेकिंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब तो क्लियर हो गया कि भगवान चाहते ही नहीं कि आज पोल्यूशन हो। ये मेरे लेफ्ट साइड में दरगाह है, राइट साइड में दरगाह ही है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से जाना है पुल के ऊपर, नीचे से अगर यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो सरोजनी नगर आ जाता है, बट मुझे ऊपर की तरफ से निकलना है सीधा, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा। चलो आज एकदम ऐड वैड बीच में गायब कर रखे हैं, पीछे सारे होर्डिंग से इतने भी एड्स तो सब हटा रखा है, पहले यहाँ पे वैसे एप्पल के एड्स लगे होते थे, मैंने देखा था जब नया नया एप्पल 11 लॉन्च हुआ था, लेकिन सारे होर्डिंग्स खाली है। मेरी रीज़न ये हो कि अभी जब जैसे लोग भी कम घर से निकल रहे हैं तो ऐड देखे हैं कहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि रीज़न शायद ये होगा, कंफर्म में कह नहीं सकता। ये हम आ गए अब रॉय होटल है शायद, ये जी अब रॉय होटल ही है। ये मेरे बगल में जो है राइट साइड में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, काफ़ी यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन लग रहा है अब तो वैसे काफ़ी काम हो चुका है, देखते हैं जल्दी रोड भी बन जाएगा, काफ़ी मतलब अच्छा काम ही हो रहा होगा,
तो यहाँ पे डाइवर्जन होता ही रहता है, कभी राइट साइड में डाइवर्जन, कभी लेफ्ट साइड में डाइवर्जन, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मतलब कन्फर्म ही नहीं होता कि आज किस साइड से निकलना है, इस साइड से निकलना है या फिर आज उस साइड से निकलना है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब जैसे इस साइड काम कम्प्लीट होता है तो उस साइड का बंद कर देते हैं, उस साइड कम्प्लीट होता है तो उस साइड का बंद कर देते हैं। काम तो करना ही है ना, रोड तो बनाना ही है, बिकॉज ये बहुत ही बिजी रोडों में से आता है रेड लाइट। ये हम लोग आ गए हैं चिड़ियाघर के पास। लेफ्ट साइड में चिड़ियाघर है एंड राइट साइड में है अपना पुराना किला। कहीं बनाएंगे, यहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, अभी तो सब कुछ बंद है, ग्रीन हो गई। चलो 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 जल्दी घर पहुँचेंगे। चलो अब मुझे यहाँ से लेना है राइट, राइट लेके आएगा प्रगति मैदान। प्रगति मैदान से थोड़ा रास्ता शॉर्टकट पड़ता है तो यहीं से जाता हूँ मैं, यहाँ से निकल के यहाँ से मुड़ गया। भाई साहब ये रोड खाली है, ये रोड तो मतलब इतना जाम मिलता है कि कभी भी आओ तो ये रोड भरा ही रहता है, कभी भी इस रोड पे आओ तो रोड हमेशा फुल ही रहता है। आज मतलब कभी कभी चांस होता है कि ये रोड खाली मिले, और अभी इतना खाली है रोड, मतलब क्या बताऊँ। यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और आगे पूरा प्रगति मैदान है, मतलब यहाँ पे बुक फेयर, ट्रेड फेयर, कोई ना कोई फेयर होता ही रहता है। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड लग रहा है, बन रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से काम हो रहा है एंड ये डाइवर्जन यहाँ पे बना रखा है। देखते हैं आने वाले समय में ये काफ़ी बढ़िया रोड बन जाएगा। पूरे स्टैंड स्टैंड भी सब कुछ खाली है, क्योंकि बसें ही चल रही है तो कहाँ से लोग जाएंगे। आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन मुझे जाना था यहाँ से राइट साइड की तरफ, लेकिन जा नहीं सकते। अभी कन्फर्म हो गया हूँ कि लोहा वाला पुराना जो लोहा पुल है वो बंद होगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ सीधा, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ऐसे होता गया ना, पुराना लोहा पुल जो है थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन अब मैं जाऊँगा सिग्नेचर पुल होते हुए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एंड भी अब देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा लाल किला। हाँ जी, ये पूरा लाल किला वाला एरिया ही है। अभी मैं लाल किले के पीछे की साइड से जा रहा हूँ, ये हमारा रास्ता पड़ता है मेचली जाने का। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखी है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड आप लोगों को गेस करना है कि मैंने जो कैमरा यूज़ किया है यहाँ पे वो कहाँ पे रखा है और कैसे सेटअप किया है, आपको ये बताना है। तो अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आए तो मैं बताऊंगा मैंने कैमरा सेटअप कैसे किया, कैसे कैसे मैंने वीडियो बनाई है, ये वाली कैमरा कैसे सेट करके आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइए और बताइए। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो 4 प्यारी प्यारी लवली वीडियोस सब्सक्राइब टू माय केशव फिल्म्स। एंड अगर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वैसे ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने मोटो व्लॉग ट्राई किया है, आशा करता हूँ आप लोगों को देखने में मज़ा आया होगा। चलो गाइस, बाय बाय। किसी को है रास्ता पूछना है, सिग्नेचर ब्रिज की तरफ है ये, सिग्नेचर ब्रिज। चलो उसको बाय।